हाय दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों ये बैकग्राउंड देखो, ठीक है, ये माउंटेन क्रिएटिव वीडियो फोटो दे रही, ठीक है। ये सारा बैकग्राउंड जो है मैंने अपने इस एंड्रॉयड मोबाइल से ही बनाया है, ठीक है। किस तरह बनाया है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हम सीखेंगे अभी अपने इस वीडियो में। 5 मिनट की वीडियो है, ज़्यादा लंबी नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल, इस वीडियो को एडिट करने के लिए जिस ऐप की हेल्प लेंगे हम, उस ऐप का नाम है पिक्सआर्ट। तो सीखते हैं सारी बातें और चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर, लेट्स गो। दोस्तों तो ये हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है। किस तरह बनाते हैं अभी बताता हूँ आपको। सबसे पहले ये हम आ गए अपने मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है। ये हम आ गए मोबाइल स्क्रीन पे, आगे इसको डाउन करने के बाद ये पिक्सआर्ट जो है मैं यहाँ से ओपन कर रहा हूँ। कुछ टाइम सर्चिंग रहेगा, ठीक है, और ये हमारा पिक्सआर्ट जो है ओपन हो गया, ठीक है। पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद ये कटमर निशान को जो है मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे ये ब्लैंक बैकग्राउंड जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये ब्लैंक बैकग्राउंड जो है आपको सिलेक्ट करके यहाँ आगे इसको डाउन करना है। स्टिकर वाले ऑप्शन में जाना है, रिसेंट वाले ऑप्शन में जाने के बाद ये वाला जो है आपको बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, माउंटेन का। ये इसको अच्छी तरह से आपको जो है यहाँ से एडजस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ से एडजस्ट करने के बाद दोबारा स्टिकर वाले ऑप्शन में आपको जाना है, रिसेंट में जाना है। ये जो है आपको इस टूल की जो है आपको PNG सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लिप रोटेट, ठीक है। यहाँ पे आगे स्कोर करके फ्लिप रोटेट को जो है आपको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको इसे आपको रोटेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे ये सारा रोटेट करके इसको ऐसे एडजस्ट करके अच्छी तरह से आपको अपनी मर्जी के हिसाब से, मतलब अच्छी तरह से आपको सेट कर देना है। इसे थोड़ा लंबा करके एडजस्ट करके, ठीक है, और यहाँ तक आपको ओके कर देना है, डन, ठीक है। यहाँ तक सारी चीज़ें होगी सेट। अब आपको क्या करना है, यहाँ नीचे जाना है एड फोटो में, ठीक है, जो आपको अपना फ़ोटो लगाना है। तो यहाँ पे ये वाला फोटो जो है मेरा लगा हुआ है, इसको जो है मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे हमें एक फैसिलिटी मिलती है, ठीक है, यहाँ पे एक फैसिलिटी है, एक ही क्लिक में हम जो है अपना बैकग्राउंड ये वाला जो है यहाँ से रिमूव कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे इसको एडजस्ट करके यहाँ पे ये लिखा हुआ है फ्लिप फ्लिप रोटेट, इसको फ्लिप रोटेट कर देंगे हम, ठीक है, डन। इसको फ्लिप रोटेट करने के बाद यहाँ से आपको आगे थोड़ा इसको डाउन करना है, ठीक है। आगे इसको डाउन करने के बाद यहाँ पे आपको जाना है इफेक्ट वाले ऑप्शन में और BW लिखा हुआ है, यही आपको सेम फिल्टर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, ओके, डन। और आगे यहाँ पे आपको क्या करना है, दोबारा यहाँ पे आपको जाना है एडजस्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है। इसकी ब्राइटनेस की अमाउंट जो है आपको इधर हल्की सी जो है 3 पे रख देनी है, ठीक है, और कंट्रास्ट का जो है यहाँ से अमाउंट थोड़ा आपको पीछे करना है, ठीक है। क्लैरिटी जो है आपको ओके डन करना है, ठीक है, और यहाँ पे शेडो जो है थोड़ा आपको अमाउंट का यहाँ पे बैक करके 13 पे और टेम्परेचर जो है आपको 26 पे रख के यहाँ से आपको कर देना है, डन, ओके। यहाँ पे हमारा सारा जो है हो जाएगा, बैकग्राउंड हो जाएगा, डन, ओके। डन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा आगे इसको डाउन करना है, ठीक है। यहाँ इसको डाउन करने के बाद यहाँ ये लिखा हुआ है स्टेयर वाला ऑप्शन, इसको स्टेयर वाले ऑप्शन जाने के बाद ये लॉन्ग की जो है PNG आपको सिलेक्ट करनी है और इसको फ्लिप रोटेट कर देना है, ठीक है, ओके, डन। फ्लिप रोटेट करने के बाद यहाँ ऊपर यहाँ पे इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करके ऊपर इरेसर में जाने के बाद इसका जो है हल्का सा ये बैकग्राउंड जो है आपको रिमूव करके, ठीक है, यहाँ तक ये सारा रिमूव करने के बाद यहाँ से यहाँ तक ये लॉन्ग की PNG आपको सिलेक्ट करनी है, ठीक है, और यहाँ तक ये सारी चीज़ें एडजस्ट करके रिमूव करके यहाँ से आपको कर देना है, डन, ठीक है। डन होने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एड फोटो में जाना है। कुछ वर्ड्स जो है मैंने पहले ही बना दिया है, ठीक है, तो ये वाले वर्ड्स जो है आपको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको एडजस्ट करके, ठीक है, और यहाँ से आपको क्या करना है, आगे इसको डाउन करना है और इसको ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको यहाँ से कर देना है स्क्रीन, ओके, डन। यहाँ पे सारा स्क्रीन करने के बाद दोबारा टेक्स्ट वाले ऑप्शन में जाना है। कुछ वर्ड्स जो है मैंने इंग्लिश के लिखे हैं, ठीक है, ये वाले वर्ड्स वगैरह जो है मैं यहाँ पे टाइप करूँगा, ठीक है, ये वर्ड्स इंग्लिश के वर्ड्स है, आई होप आप सारे ये वर्ड्स जानते होंगे, ठीक है।
यहाँ पे ये सारा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको अपनी मर्जी के हिसाब से जो है आपको एडजस्ट कर देना है, ठीक है, डन, ओके। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से आपको एडजस्ट करके, ठीक है, सही, जैसे आपको अपनी मर्जी के हिसाब से एडजस्ट करके, मैं तो अपनी मर्जी के हिसाब से जो है एडजस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ से सारी चीज़ें, ब्लेंडिंग वगैरह सारी चीज़ें, ओके, यहाँ से हर चीज़ ओके करूँगा मैं, ठीक है। ओके करके इसको थोड़ा सा हल्का सा ऐसे एडजस्ट करके, ठीक है, और यहाँ से कर देना है मुझे डन। अब आगे आपको क्या करना है, यहाँ थोड़ा आगे पीछे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है इफेक्ट, इसमें जो है हम कुछ फिल्टर वगैरह जो है सिलेक्ट करेंगे, तो ये लिखा हुआ है एफएक्स, ठीक है। इसमें कुछ फिल्टर वगैरह जो है आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत सारे फिल्टर है, कुछ फिल्टर जो है मैं आपको विजिट करवाता हूँ, ठीक है। वैसे मैं एक ही फिल्टर लगाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले ये 1992 वाला फिल्टर है, ठीक है। तो इस फिल्टर में कुछ ऐसा खास नहीं है, तो ये वाला इसके बराबर वाला है 1991, ठीक है। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, पोस्ट हमारी बहुत ही अच्छी लग रही है। इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे मल्टी, हम मल्टी में जाएंगे, थोड़ा इसको अच्छी तरह से देखेंगे, कलर में जाएंगे, ड्रग में भी देखेंगे, नाइट, और ये सारी मतलब इसकी जो है मैं सारी चीज़ें फिल्टर वगैरह जो है विजिट करेंगे, लेकिन किसी में जो है इतना खास मज़ा नहीं है, ठीक है। तो सारी चीज़ें कुछ भी ऐसा खास हम मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मल ही रखूँगा, ठीक है, और यहाँ से मैं कर दूँगा डन। यहाँ तक हमारी पोस्ट हो जाएगी अच्छी तरह से तैयार, यार बहुत ही मेहनत से देखो मैंने ये पोस्ट बनाई, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी वीडियो हो जाएगी डन। सेव करने का तो मैंने आपको बता दें, यहाँ से ऊपर से आपको कर देना है सेव। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अल्लाह हाफिज़।